अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकराम और आप देख रहे हैं टेक रेक स्टूडियो। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप digiskill.pk की एक्सरसाइज कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम digiskill का जो है इस लिंक पर जाना है और वहाँ पर अपने ईमेल पासवर्ड देकर लॉगिन होना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस तरह इंटरफेस आ जाएगा और आपने माय एक्टिविटीज़ में जो एक्सरसाइज है उस पर जो नोटिफिकेशन आ रहा है, वन एक्सरसाइज पेंडिंग, मतलब एक एक्सरसाइज आपको पेंडिंग है, आपने उसको सबमिट करना है। आपने एक्सरसाइज पर क्लिक करना है और यहाँ से वर्डप्रेस का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर वन, ये हमारे पास पेंडिंग आ रहा है। तो इसको हमने ड्यू डेट से पहले पहले, मतलब 25 फरवरी से पहले पहले सबमिट करना है। तो आपने करना क्या है कि एक्सरसाइज फाइल पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। जब आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसको ओपन करना है PDF में, या अपने जो ब्राउज़र है उस पर भी आप ये ओपन कर सकते हैं। PDF फाइल है, मोबाइल पर भी ये ओपन हो सकता है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर वन, बेच नंबर 9 वर्डप्रेस का एक्सरसाइज है। इसका टोटल मार्क्स जो है वो 10 है और इसका ड्यू डेट जो है वो हमारे पास 25/2/2021 है। इसके इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपने इसको MS Word में प्रिपेयर करना है एक्सरसाइज को, मतलब आपके पास इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए MS Word होना लाजमी है। जो भी हो, 2010 हो, 2010 से पहले का हो या उससे बाद का हो, मेरे पास अभी 2010 जो है वो इंस्टॉल है, ठीक है। और आपने इसको MS Word के फाइल फॉर्मेट में सबमिट करना है, मतलब .doc या .docx, मतलब docx वाला जो फाइल है ये 2010 से बाद के जो MS Word है हमारे पास उसके फाइल एक्सटेंशन है, और ये 2010 से पहले जो MS Word है उसके है, ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊँ किस तरह आप करेंगे। लर्निंग आउटकम में ये लिखा है कि आप जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक डोमेन भी सेलेक्ट कर सकेंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल भी कर सकेंगे और आप ये एक पेज भी उसमें वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना सीख जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा है कि एट फर्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट ए डोमेन नेम ऑफ योर चॉइस, आपने एक अपनी चॉइस का डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट और एनी वेब होस्टिंग सर्वर, मतलब आपने उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, चाहे वो लोकल होस्ट पर हो या एनी वेब होस्ट सर्वर पर हो। वंस द वर्डप्रेस इंस्टॉल, क्रिएट ए पेज विद टाइटल अबाउट अस, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने एक अबाउट अस के नाम से एक पेज बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये वेब होस्टिंग सर्वर है, मैं आपको 000webhost.com पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और उस पर पेज क्रिएट करना सिखाऊंगा कि किस तरह आप कर सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट को जो है एक न्यू टैब पर क्लिक करूंगा, मतलब न्यू टैब पर खोलूंगा और उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और फ्री वेब होस्टिंग इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है और एक पासवर्ड चूज़ करना है, ठीक है, और जो साइन अप का बटन है उस पर क्लिक करना है, तो ये आपके पास साइन अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि इस तरह जो विंडो आपके साथ अपेयर हो जाएगा तो आपने अपनी ईमेल पर जाना है और वहाँ पर एक बटन, आपको एक लिंक नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं अपनी ईमेल पर जाता हूँ अभी। ये मेरे पास 000webhost.com से की तरफ से एक ईमेल आया है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो क्लिक टू वेरीफाई ईमेल, इस बटन पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा, ईमेल वेरीफाइड आपके पास इस तरह एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपने करना क्या है कि गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट ए ब्लॉग इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं अदर को सेलेक्ट करता हूँ और आपने इस ऑप्शन को स्किप करना है।
जब आपके पास ये विंडो शो हो जाएगा तो आपने यहाँ पर अपने चॉइस के डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं स्वात सिटी के नाम से एक डोमेन चूज़ करता हूँ। इसके लिए मैं एक पासवर्ड swat@1234.5 लिख देता हूँ और उसके बाद सबमिट के बटन पर आपने क्लिक करने से पहले आपने करना क्या है कि आपने जो एक्सरसाइज फाइल है आपके पास, फॉर एग्जांपल इस फाइल से हमने स्टेटमेंट जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी कॉपी, और आपने मेसोड को कॉल कर उसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है और इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि आपने एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, उसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। किस तरह, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो मैंने डोमेन नेम सेलेक्ट किया है इसको मैं स्क्रीनशॉट करता हूँ। किस तरह स्क्रीनशॉट करूँगा, कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से और प्रिंट स्क्रीन का बटन इसको मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पर एमएस वर्ड में इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट हमारे पास आ जाएगा। फिर आप अगर क्रॉप करना चाहे तो ये आप फॉर्मेट से यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, इस वाली जगह को यहाँ से और तकरीबन यहाँ से मैं क्रॉप करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये हमारा जो फर्स्ट जो टास्क था वो ये था। दूसरा टास्क हमारे पास जो है वो है इंस्टॉलेशन का, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का, तो वो हम इसके बाद देखेंगे। सबमिट का बटन क्लिक करूँगा, डन। आपका वेबसाइट हैज़ बीन क्रिएटेड, मतलब आपका जो डोमेन है वो रजिस्टर हो चुका है 000webhost.com पे। आपने नेक्स्ट करना क्या है कि इंस्टॉल वर्डप्रेस का बटन जो है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से भी मैं एक स्क्रीनशॉट कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करना है और उसके बाद मैंने एडमिन और वर्डप्रेस के लिए मैंने पासवर्ड चूज़ करना है, वो हमारे पास होगा swat@1234.5। ठीक है, ये पासवर्ड मैंने चूज़ किया और इंस्टॉल का बटन पर क्लिक किया। ये थोड़ा टाइम लेगा आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज, ये आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है आपके इस वेब होस्ट पे। ठीक है, तो आपने एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाकर, और यहाँ पर आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। कहाँ पर, यहाँ पर आपने पेस्ट करना है कंट्रोल वी का बटन दबाकर। ठीक है, उसके बाद आपने वंस द वर्डप्रेस इज इंस्टॉल क्रिएट पेज विद टाइटल अबाउट अस, तो मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है, आपके पास भी इस तरह आ जाएगा। तो आपने करना क्या है कि गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज, इस पर क्लिक करना है तो आपके पास वर्डप्रेस का जो मेन लॉगिन पेज है वो अपेयर हो जाएगा। तो आपके पास ये जो पेज है ये अपेयर हो जाएगा वर्डप्रेस लॉगिन का। ये इसको मैंने यूज़र नेम एडमिन दिया था बाय डिफ़ॉल्ट और इसको मैंने पासवर्ड swat@1234.5 दिया था। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस पर हमने करना क्या है कि हमने एक पेज क्रिएट करना है अबाउट अस के बारे में। यहाँ पर पेज पर क्लिक करेंगे और एड न्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, या हमने करना क्या है कि एड न्यू पर क्लिक करना है। इसको क्लोज करना है और यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट अस। ठीक है, और यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डमी टेक्स्ट ले देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को कॉपी किया कंट्रोल सी और यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डाल दिया। और आपने करना क्या है कि आपने पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है। उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर व्यू पेज जो है उसको
खोलना है और यहाँ पर आपने करना क्या है कि यहाँ से भी एक स्क्रीनशॉट लेना है कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन के बटन की मदद से। और यहाँ पर इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको क्रॉप करना है। मैं इसको थोड़ा क्रॉप करूँगा, ठीक है, इसको भी थोड़ा क्रॉप करूँगा। तो ये हमारे पास आपकी एक्सरसाइज फाइल जो है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो है, ये रेडी है। और मैं इसको सेव करूँगा डिजिस्केल वर्डप्रेस एक्सरसाइज नंबर 1 के नाम से, और इसको मैं आपके सामने अब सबमिट करूँगा, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और अब मैंने क्या किया कि यहाँ से मैं डिजिस्केल के जो एलएमएस है उस पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं सबमिट का जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा और जो मैंने अभी फाइल क्रिएट किया है एमएस वर्ड में, चूज फाइल पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं जो अपना फाइल है उसको सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद ओपन के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सबमिट का जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा। डन, आपका एक्सरसाइज सबमिट हो चुका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो डिजिस्किल एक्सरसाइज नंबर 1 वर्डप्रेस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे टेक्रेक स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी आसानी से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।